तो डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और पूछा गया है कि अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा। इसमें जो टी है वो टाइम है, एफ जो है ये फोर्स है, वी जो है ये वेलोसिटी है, और एक्स जो है ये डिस्टेंस है। तो अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी एक्सप्रेशन में, किसी इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन बराबर होता है, तो f इंटू वी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इस टर्म का भी होना चाहिए और वही डायमेंशन इस टर्म का भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f इंटू वी का डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और जो वेलोसिटी है इसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। तो फाइनली देखेंगे ये हो जाएगा m, l पावर टू और t पावर माइनस थ्री। ये आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन। तो ये जो पहला टर्म है अल्फा बाई टी स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन होना चाहिए एम एल टू टी माइनस टू, है ना। जैसा कि मैंने यहां पर दूसरा जो पॉइंट बताया था कि किसी इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, तो जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे कि अल्फा जो है उसका डायमेंशन निकालना है और इसका डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। तो यहां से अल्फा का डायमेंशन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एम टी का पावर माइनस थ्री है, देखें वहां पर है ना, तो एम एल टू और टी उधर जाएगा तो बच जाएगा यहां पर टी माइनस वन। तो ये अल्फा का डायमेंशन आ गया। उसी तरह से ये वाला जो टर्म है बीटा बाई एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशन भी एफ इंटू वी के बराबर ही होना चाहिए, मतलब इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो एम एल टू टी माइनस थ्री, तो बीटा बाई एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो यहां पर इसका डायमेंशन एल स्क्वायर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री, यानी बीटा का जो डायमेंशन हुआ एम एल पावर फोर टी पावर माइनस थ्री। तो ये आ गया बीटा का डायमेंशन। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसमें एक रियल गैस इक्वेशन दिया गया है जिसमें कि पी जो है प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, और टी टेम्परेचर है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है। इसमें दो कॉन्स्टेंट टर्म है, एक तो ए और दूसरा बी। तो ए और बी का डायमेंशन हमें पता करने के लिए कहा गया, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दो टर्म को तभी ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है जब दोनों का डायमेंशन इक्वल हो, यानी अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम ही होगा। तो बी का जो डायमेंशन है वो डायरेक्ट मैं जो है वी के डायमेंशन यानी कि एल क्यूब बोल सकता हूं, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू होता है, तो इस बी का डायमेंशन भी एल क्यू के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर देखें अगर ये प्रेशर है तो इस टर्म का जो डायमेंशन है वो भी प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो ए बाई वी स्क्वायर जो है इसका डायमेंशन होना चाहिए प्रेशर के डायमेंशन के बराबर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और ए जो है एल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे ए का डायमेंशन निकालना होगा, वी होता है एल टी माइनस वन वी का डायमेंशन, तो यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे, इधर बचेगा एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। तो ए का जो डायमेंशन होगा इसको उधर ले जाएंगे तो आएगा एम एल माइनस वन यहां पर है और एल प्लस टू यहां पर, उधर जाएगा तो एल पावर वन रह जाएगा, टी पावर माइनस टू है यहां पर, टी पावर माइनस टू यहां पर, टी पावर माइनस फोर हो जाएगा, है ना। तो ये तो आ गया यहां पर ए का डायमेंशन, और बी का डायमेंशन हो गया एल क्यूब, ठीक, ये आ गया। तो अब जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस। अब इस ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये एक मेथड है, इस मेथड को यूज किया जाता है किसी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं है ना। इट इज
यूज्ड टू वेरीफाई और चेक द इक्वेशन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, है ना। तो ये चेक करने के लिए होता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कहा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो हम लोग करेंगे क्या, यहां पर जो टाइम पीरियड है कहा गया कि ये एक तो लेंथ पर भी डिपेंड करता है और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। मैंने मान लिया कि एल पावर ए होगा, जी पावर बी होगा। हमें यहां पर ए और बी की जो वैल्यू है वो पता करनी होगी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि दोनों साइड में डायमेंशन निकालेंगे इसका। जैसे इस साइड में तो डायमेंशन हो जाएगा टी, है ना, और उस साइड में डायमेंशन होगा एल का पावर ए, और जी का मतलब हो गया जी एक्चुअली में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू पावर बी हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं, अब यहां से देखेंगे कि ये हो जाएगा एल पावर ए प्लस एल पावर एल ए प्लस बी, यहां एल पावर ए है, यहां एल पावर बी है, इंटू टी पावर माइनस टू बी। यानी अगर इस इक्वेशन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में टी आएगा और राइट हैंड साइड में आएगा एल पावर ए प्लस बी और टी पावर माइनस टू बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में एम पावर जीरो, एल पावर जीरो और टी पावर वन, और राइट हैंड साइड में एम पावर जीरो, एल पावर ए प्लस बी और टी पावर माइनस टू बी, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि दोनों साइड में जो पावर्स हैं एम एल और टी के, उनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, एक तो मिलेगा जीरो इक्वल टू जीरो, दूसरा मिलेगा एल का पावर जीरो यहां पर है, उधर है ए प्लस बी, और तीसरा इक्वेशन मिलेगा वन इज इक्वल टू माइनस टू बी। तो इसमें से हम लोग सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से b की जो वैल्यू आएगी ये आएगा माइनस वन बाई टू, और यहां से आएगा a इज इक्वल टू माइनस बी, ए इज इक्वल टू माइनस बी मतलब कि वन बाई टू, ठीक है। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई। तो अपना जो रिलेशन आया ये आएगा l पावर a, a की जो वैल्यू है वो है वन बाई टू, और b का पावर आया माइनस वन बाई टू, यानी T इज इक्वल टू ये आ गया एल पावर वन बाय टू जी पावर वन बाय टू, यानी कि T इज इक्वल टू रूट एल बाई जी, ये आया यहां पर। तो अब यहां पर देखेंगे कि टाइम पीरियड का जो एक्चुअल रिलेशन होता है वो होता है टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये एल और जी का डिपेंडेंस तो ये सही बता रहा है, लेकिन इस कॉन्स्टेंट के वैल्यू नहीं के बारे में कोई जो है ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, है ना। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला फॉर्मूला है ये हमेशा यूजफुल नहीं है, इसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये कांस्टेंट टर्म के बारे में बताता ही नहीं है, है ना। तो मैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताता हूं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। पहला तो ये है कि इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टेंट टर्म और कॉन्स्टेंट वैल्यू इन्वॉल्व्ड इन द एक्सप्रेशन और इन द फॉर्मूला,
जैसे कि यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये फॉर्मूला तभी सही तरीके से वैलिड है जब जितने भी वेरिएबल्स हों वो सारे या तो प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला आते ही जो है ये बेकार हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं आता। इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल ओनली व्हेन फॉर्मूला इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन और पावर रिलेशंस ऑफ वेरिएबल्स, है ना, जो भी वेरिएबल्स हों, जैसे यहां पर एल और जी है, अगर उनके बीच में पावर रिलेशन है, प्रोडक्ट डिवीजन है, तभी जाकर के ये सही तरीके से काम करता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आते ही ये फेल हो जाता है ना। तीसरा इसका ड्रॉबैक है कि अगर कोई बीच में फंक्शन आ गया, जैसे मान लेते हैं जो है वेव इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, अब ये साइन के बारे में तो कुछ नहीं बताता है, यानी अगर कोई फंक्शन आ गया तो फंक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं देता है। इट इज नॉट यूजफुल व्हेन सम फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मूला। तो ये तीन जो है ये डिसएडवांटेज हैं इसके। तो अभी तक हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा। डायमेंशन एक्चुअली में क्या है, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो हमने अभी तक कर लिया है। वैसे ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी 2-4 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता भी है तो सिर्फ डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है। बहुत पहले जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे तब यूनिट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आया करते थे। अब जो है यूनिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जब भी आता है कम आता है, लेकिन जब भी आता है डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है। लेकिन फिर भी हम लोग यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो पहले मैं बताता हूं कि यूनिट जो है वो क्या होता है। तो इसको डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह से, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड्स। एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है तो उस स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, बेसिक स्टैंडर्ड्स कॉल्ड यूनिट्स, है ना। वो सर्टेन स्टैंडर्ड क्या है, वो यूनिट है। यूनिट रहता है तो हमें आइडिया लगता है कि कितना बड़ा क्वांटिटी है, कितना छोटा क्वांटिटी है, ये आइडिया लगता है। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, जैसे लेंथ है तो किलोमीटर बोला जाएगा तो हम बता सकते हैं कितना लंबा होगा, मीटर बता दिया जाएगा तो भी बता सकते हैं कितना लंबा होगा, सेंटीमीटर कहा जाएगा तो बता सकते हैं कितना छोटा होगा, है ना। तो वो स्टैंडर्ड जो है वो एक्चुअली में यूनिट है, है ना। अब जो यूनिट होते हैं ये कई तरह के होते हैं, एक तो एसआई यूनिट होता है, है ना, एसआई यूनिट, फिर एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस सिस्टम, है ना। तो एसआई सिस्टम जो होता है ये कहते हैं
ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है ना, मतलब कि इसको कहा जा सकता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एम के एस में क्या होता, मतलब एसआई सिस्टम में क्या करते हैं कि जैसे लेंथ है तो लेंथ को नापते हैं मीटर में, ठीक, मास जो है इसको नापते हैं किलोमीटर में, सॉरी किलोग्राम में, और जो टाइम है टाइम को नापते हैं सेकंड में। एम के एस जो है ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, इसमें मतलब कि लेंथ इसमें भी नापेंगे, मतलब ये बिल्कुल इसी के जैसा है ना, मतलब इसमें भी लेंथ जो है मीटर में नापेंगे, मास जो है वो किलोग्राम में नापेंगे, और टाइम जो है सेकंड में नापेंगे। सीजीए सिस्टम में क्या होता है कि जो लेंथ है उसको हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे, जो मास है उसको ग्राम में नापेंगे, और जो टाइम है उसको सेकंड में नापेंगे। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है कि जो लेंथ है उसको फुट में नापा जाएगा, और जो मास है उसको पाउंड में नापा जाएगा, और जो टाइम है टाइम को सेकंड में नापा जाएगा। ठीक, तो ये चार सिस्टम हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन होते हैं यूनिट कन्वर्जन वाले, तो उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, कहा गया कि कन्वर्ट 5 किलोमीटर इन सेंटीमीटर, है ना, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूनिट छोटा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, तो 5000 मीटर मतलब किलोमीटर को 5000 मीटर ले सकते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये हो गया 5 × 10⁵ सेंटीमीटर। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल है, कन्वर्ट 8 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर। अब 8 सेंटीमीटर में है, इसको मैं क्या करूंगा, इसमें 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मीटर में। ठीक, चूंकि हमें किलोमीटर में डिवाइड लिखना है तो इसको 1000 से भी मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8 × 10⁵ किलोमीटर, है ना। यहां पर हमने क्या देखा कि जैसे ही छोटे से यूनिट में ले गए, मतलब किलोमीटर से सेंटीमीटर में ले गए, तो क्या देखा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले 5 था, जब यूनिट बड़ा था तो न्यूमेरिकल वैल्यू था 5, जैसे सेंटीमीटर में हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू इतना हो गया 5 × 10⁵, बहुत बड़ा हो गया। यहां देखेंगे कि जब यूनिट ये छोटा था, छोटा यूनिट था तो न्यूमेरिकल वैल्यू था 8, और जब बड़ा यूनिट हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम हो गया, 8 × 10⁵ है, मतलब 8 को 10⁵ से डिवाइड करना है, वो छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। उसी तरह से एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 5 N into CGS, तो एक्चुअली में क्या है, ये फोर्स है ना, तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है ये होता है MLT-2, या इसको ML/T² ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इसका, जब यूनिट लिखना होगा तो लिखेंगे 5 N SI यूनिट में, मतलब कि मास को रखेंगे kg में, लेंथ को रखेंगे मीटर में, और टाइम को रखेंगे सेकेंड में। ठीक, अब ये तो SI यूनिट में है, इसको CGS में कन्वर्ट करना है, तो 5 जो किलोग्राम है इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में बदल जाएगा, और ये मीटर में है इसको सेंटीमीटर में बदलना है क्योंकि CGS सिस्टम है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी सेकेंड में ही था और इसमें भी सेकेंड में, तो टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, तो ये हो गया अब ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर, मतलब अब जो है ये हो गया 5 × 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब यहां पर देखेंगे कि हमने 5 जो न्यूटन था, जो बड़ा सा यूनिट था न्यूटन, उसको सीजीएस छोटा यूनिट होता है, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करा तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बढ़ गया।
तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जब यूनिट बड़ा करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आता है। जैसे यहां न्यूटन बड़ा था सीजीएस वाले थे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 था, और जब सीजीएस में कन्वर्ट करते न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हुआ 10^5 टाइम्स बड़ा हो गया, है ना। यहां पर सेंटीमीटर में था तो 8 था, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, जब किलोमीटर बड़ा यूनिट हो गया, बड़ा यूनिट में कहा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गया। यूनिट बड़ा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। यहां पर देखेंगे कि किलोमीटर में था तो 5 था, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट में करा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया, 10^5 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है, कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट होता है। मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को एन लिखूं और यूनिट को यू लिखूं तो जब ये मैग्नीट्यूड किसी क्वांटिटी का चेंज नहीं होता, अब 5 न्यूटन का फोर्स है तो उतना ही धक्का लग रहा होगा, अब मैं चाहे उसको सीजीएस में लिखूं या एसआई यूनिट में लिखूं धक्का तो उतना ही लगेगा, तो यानी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा। तो यहां से हमें यह पता चला कि क्योंकि ये तो कांस्टेंट रखना है तो कह सकते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है, यानी यूनिट छोटा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, और अगर यूनिट जो है बड़ा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे चेंज ऑफ यूनिट्स होता है, यूनिट अगर चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन करते हैं। कहा गया कि इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया विल बिकम, अगर एरिया जो है उसको मैं लिख सकता हूं एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कि एल स्क्वायर एक डायमेंशन है इसका, है ना, अगर इसका यूनिट मैं डबल कर दूंगा तो एरिया का यूनिट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं, अब जो है इसको लिखा जाएगा नया यूनिट जो होगा 2L का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यानी कि एक्चुअली में 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यूनिट जो है इसका 4 टाइम्स हो गया। अगर यूनिट ऑफ लेंथ बढ़ा दिया तो यूनिट ऑफ एरिया 4 टाइम्स हो गया, यूनिट ऑफ एरिया विल बी 4 टाइम्स। अब देखेंगे कि अगर यूनिट 4 गुना बड़ा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 गुना छोटा हो जाना चाहिए, तो कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया विल बिकम 1/4 टाइम्स। अगर यूनिट को हमने 4 गुना बड़ा कर दिया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट रखा है, अगर यू को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा होगा एन बाई 4 इंटू 4 यू, ये 4 गुना यूनिट बड़ा हो गया तो ये जो है एन बाई 4 हो जाना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 टाइम्स हो जाना चाहिए। ठीक, वैसे ही अगला एग्जाम्पल है, जैसे फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन में और पूछा गया कि अगर यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ टाइम आर डबल्ड, यूनिट ऑफ मास इज हाफ्ड, देन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स इन न्यू यूनिट। तो जैसे फोर्स का जो डायमेंशन होता है ये होता है एम एल टी माइनस 2 या टी पावर 2, ऐसे होता है। इसमें कहा कि मास का जो वैल्यू है, मास एक्चुअली में एसआई यूनिट में बोले तो ये है, मास का यूनिट जो है वो आधा कर दिया है एम बाई 2, लेंथ का यूनिट डबल कर दिया है ये हो गया 2L, और टाइम जो है उसको भी डबल किया है तो यहां पर 2t होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये कितना आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो ये आएगा एम एल बाई टी स्क्वायर बाई 4, है ना। मतलब ये हुआ कि जो यूनिट है, यूनिट पहले से 1/4 हो गया, यानी यूनिट जो है 4 गुना कम हो गया, 4 गुना छोटा हो गया। अगर यूनिट 4 गुना छोटा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 गुना बड़ा होना चाहिए, है ना, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4n इंटू यू बाई 4, यूनिट 4 गुना छोटा हो गया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 गुना बड़ा हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि 5 इंटू 4 इन
न्यू यूनिट, जो भी नया यूनिट होगा तो हो जाएगा ये, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 20 नए वाले यूनिट में। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो जब इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले देखेंगे कि यूनिट जो है वो कितना गुना बढ़ा है या कितना गुना घटा है, ठीक है। अगर बढ़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटाना पड़ेगा, अगर घटा है यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा।